जो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, देखिए 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 15 लोगों की मौत हो गई है, घायलों को एम्स लाया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही कुमारी हॉस्पिटल में भी जो है घायलों को भर्ती कराया गया है। तो एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, लगातार इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, क्या स्थिति है अब तक हर एक अपडेट IBC 24 लगातार पहुंचा रहा है। तो कुमारी में एक बड़ा हादसा हुआ, भिलाई के कुमारी में निजी कंपनी के कर्मचारी थे, 40 से 45 की उनकी संख्या थी, बस में सवार थे और इसी दौरान कुमारी में एक मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के दौरान जो है बस अनियंत्रित हो गई, 50 फीट नीचे खाई में बस जा गिरी और इसी दौरान इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। जो घायल हैं उनको तुरंत रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया और ये आप तस्वीरें देखिए, परिजन पूरी तरह से बदहवास नज़र आ रहे हैं, रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली प्राथमिकता यही कि घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा उन्हें मिल सके। चलिए, कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई हैं। कोमल, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में परिजन भी यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं, रोते बिलखते बदहवास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया गया है, परिजनों को क्या जो जानकारी उन्हें चाहिए वो यहाँ पर मिल पा रही है, कोई व्यवस्था ऐसी अस्पताल की ओर से की गई? परिजनों को पूरी जानकारी मिल रही है और जाहिर सी बात है कि अगर किसी घर के किसी सदस्य की मौत होती है या अगर थोड़ी सी भी चोट भी आती है तो परिजन परेशान होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनके घर में मौत हुई है उनका हाल बेहाल है, हम बयान नहीं कर सकते कि उनकी स्थिति कैसी है। और सबसे जो आप दुख की बात अगर कही जाए तो कल सुबह जो स्थिति बनेगी वो काफी मतलब दर्दनाक होगी, या हम ये कह सकते हैं क्योंकि जब मर्चुरी में एक साथ करीब 15 बॉडी जब साथ में निकलेगी या सब जहाँ पे जब लोग परिजन होंगे तो वहां का आप नजारा आप हम कल्पना नहीं कर सकते कल सुबह कैसा होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे कि सारे प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं, जो परिजन हैं जो घायल हैं उनके साथ उनके परिजनों को अस्पताल भेजा जा रहा है, जो मृतक हो चुके हैं जिनकी डेड बॉडी जा चुकी है मर्चुरी में उनके परिजनों को समझा बुझा कर अभी घर भेजा गया है ताकि वो कल सुबह जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तब जब बॉडी सौंपी जाएगी तब उनके परिजन वहां पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस दुख की घड़ी में हर कोई साथ है, यहाँ पर कभी कहीं ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही कि परिजनों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े या कहीं पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये घायलों की संख्या यहाँ पर जो है वो आप बता रहे हैं कि कम से कम जितने बस में सवार थे अगर हम मृतकों की संख्या को हटा दें तो सभी को कुछ ना कुछ चोट लगी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसे चोट नहीं लगी हो। तो यहाँ पर सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और यहाँ पर परिजनों को भी काफी मदद मिली क्योंकि हर एम्बुलेंस के साथ पुलिसकर्मी साथ में जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्यकर्मी भी साथ में जा रहे हैं, तो पूरे गतर तक जहां पर हॉस्पिटल उनको पहुंचाना है वहां पहुंचाया जा रहा है और जो सुविधा मिल जा रही है क्योंकि ये अलर्ट में है अभी, क्योंकि जिले के अस्पतालों को जितने बड़े अस्पताल है अलर्ट मोड में रखा गया है, जहां जैसी सुविधा है वो उन्हें वहां भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रशासनिक जो व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर जिले के कलेक्टर भी खुद यहाँ पर मौजूद है, SP भी मौजूद है, सारे अधिकारी यहाँ मौजूद है, जनप्रतिनिधि भी चूंकि यहाँ पहुंच चुके हैं तो सारे लोग यहाँ है, तो कहीं किसी ना किसी को जो मदद मिल रही है वो सबको बराबर मदद मिल रही है यहाँ पर। कोमल, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि बस में 40 से 45 कर्मचारी जो थे वो सवार थे, आप स्थानीय संवाददाता हैं, आपको जानकारी होगी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि हर दिन इस तरह से आना जाना ये बस के जरिए करते थे, जो ज्यादातर मजदूर थे वो दुर्ग भिलाई आसपास के इलाकों के? जी बिल्कुल, ये बस उन्हें यह सुविधा दी गई थी, बस की सुविधा, और इसमें मजदूर भी थे, कुछ कर्मचारी भी थे, कुछ ऑफिस वर्क के भी थे। तो यहाँ पर क्योंकि जब कंपनी दूर में है तो उन्हें एक सुविधा दी जाती है कि ट्रांसपोर्टिंग की, तो जो शिफ्ट वाइज भी काम होता है, तो वहां पर जब वापस हो रहे थे तब ये हादसा हुआ है। और जो संख्या होती है कई बार होता है कि सीट जितनी होती है कैपेसिटी होती है उससे 5-10 लोगों को ज्यादा ही लिया जाता है, क्योंकि बार बार अगर बस आना जाना करेगी तो कंपनी को कहीं ना कहीं उसमें लोड पड़ता है, तो कोशिश करते हैं कि जितनी सीट है उससे अगर 4-5 लोग एडजस्ट, क्योंकि जो जिनका घर नजदीक है या कुम्हारी में है या चरोदा में है तो कुछ लोग खड़े होकर भी सफर करते हैं, तो ओवरलोडिंग के बाद भी कहीं ना कहीं सामने आती है। और ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है, तब जाकर प्रशासन को भी समझ में आ रहा है कि ओवरलोडिंग बसें जो है लगातार नेशनल हाईवे में तो चलती है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी की बसें हैं वहां भी स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग की स्थिति भी यहाँ बनती है। और ये जो हादसा है कहीं ना कहीं इसमें इस बात का भी बड़ा सवाल उठता है कि अगर आप अपने कर्मचारियों को सुविधा दे रहे हैं तो ऐसी सुविधा मत दीजिए कि जो उनकी जान उनकी जोखिम में आ जाए। कोमल, जिस जगह पर हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल में किस तरह से जो घायल है उनको इलाज की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है,
कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कोमल, जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर हमारे संवाददाता स्टार भी पहुंचे थे, लोगों से भी उन्होंने बात की और ज्यादातर लोगों ने कहा कि हादसे की आशंका यहाँ पर लगातार बनी रहती है, अंधेरा रहता है। किस तरह का इलाका है वो जहाँ पर यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, जब कंपनी नहीं बनी थी तब से वो खदान वहां मौजूद थी और काफी गड्ढा है जिस तरह 50 फीट करीब बताया जा रहा है, तो कंपनी बाद में बनी है, रोड बने हैं वहां पे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी चाहे जहाँ स्थानीय प्रशासन है, चाहे कुम्हारी नगर पालिका की हो, चाहे जो जो भी इसमें क्षेत्र आता है उसमें कम से कम लाइट लगनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो या गांव के रोड हो, कहीं ना बिजली की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। अगर वहां पर गड्ढे हैं, अगर खाई है आजू बाजू, तो वहां पर रेलिंग लगनी चाहिए, कुछ ऐसे संकेतक होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर जो थोड़ा है खतरे का जो इलाका है, क्योंकि जहाँ पर खदान या खाई होती है वहां पर संकेतक लगातार लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, ताकि लोग जो लोग आए, जो बस जाती है वो तो रोजाना आती जाती थी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नए लोग आते हैं रोड पे, रात में आते हैं, पता नहीं चल पाता है, साइड लेने गए और कभी ओवरटेकिंग के चक्कर में, जिससे आज जो घटना हुई है कहीं ना कहीं ओवरटेकिंग के बाद में सामने आ रही है, तो ओवरटेकिंग अगर करनी है तो उसके लिए जगह भी नहीं है, अगर साइड में और अंधेरे में समझ में नहीं आता है कि बगल में खाई है या प्लेन मैदान है, तो इस चक्कर में जो है जो हादसा हो रहा है। पहले भी यह बता दूं, बाइक सवार दुपहिया वाहन यहाँ पर घटना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई बड़ा ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया कि यहाँ पर जो ये है दुर्घटनाजन्य क्षेत्र अगर है तो उसे कोई संकेत इसमें दिया जाए कि दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है और आपको यहाँ पर धीरे चलना है, लाइट की व्यवस्था करनी, पर ऐसा यहाँ पर आज तक नहीं हो पाया है। चलिए, तो इस पर भी बात होगी कि आखिर किस तरह की लापरवाही यहाँ पर बरती गई, और जब इस तरह से हादसे का आशंका यहाँ पर बनी रहती है तो इस ओर आखिर क्यों ध्यान प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। तस्वीरें लगातार IBC 24 आप तक पहुँचा रहा, देखिए हॉस्पिटल के बाहर किस तरह से लोगों की भीड़ भी अब यहाँ पर जमा होती जा रही है, परिजन भी लगातार अपनों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भिलाई कुमारी के हॉस्पिटल से, जहां पर घायलों को लाया गया उनको इलाज के लिए, और लगातार इस बड़े हादसे पर चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन का, और स्टार जैन के पास सीधा चलते हैं। स्टार, जो बस में कुछ लोग जो सवार थे, जो कर्मचारी सवार थे, वो शायद आपके पास मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं वो कि क्या हुआ, कैसे कैसे हादसा हो गया? देखिए, एपेक्स हॉस्पिटल में जिनको माइनर इंजुरी थी उनको रिफर किया गया था, ये जो मजदूर हैं जो बस में थे अब इनको एम्स रिफर किया जा रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, बात कर सकते तो थोड़ा बताइएगा क्या हुआ था एग्जैक्ट? बस ना मतलब कि पलटी कर गया, मतलब कि फर्स्ट वाली चक्का पहले स्लिप किया, फिर सेकंड वाली, और अचानक से ऐसा गिरा ना, हम लोग को पता नहीं था, और कुछ किस मतलब कुछ हम लोग मूवमेंट कुछ कर भी नहीं पाए, और बस ऐसा पलटी किया दो बार में, क्या पता हम लोग सब होश खो बैठे थे। उसके बाद फिर हम लोग मेरे विंडो, मेरे पास ना विंडो था तो उसी में से ना लेडीज गार्डों को ना मैं निकाली हूँ, 5 लेडीज गार्ड थे, अब बाकी सब वर्कर लोग थे वहाँ पास, तो उन लोग भी मतलब कि फंस गए थे, बहुत गंभीर घायल हो गए, खदान में पूरा गिर गया था बस। कितने लोग थे बस में लगभग आप लोग? अब उतना अंदाज में बता नहीं सकते, लेकिन 40 लोग रहते हैं, मतलब कि उससे 30-40 के आस पास हैं। मतलब डेली हम लोग रूटीन है, डेली अप डाउन करते हैं, बस आना जाना डेली करता है, सावधानी से जाता है, लेकिन आज कैसा अचानक से ऐसा हुआ कुछ बता नहीं सकते हैं। तो मतलब क्योंकि बस हम स्पॉट पे देख के आए, काफी नीचे चपटा गई थी। हाँ, बहुत नीचे एकदम खाई के एकदम अंदर गिर गई है, और बहुत मुश्किल से हम लोग निकले, बहुत मुश्किल से। देखिए ये भी है, आप कुछ बता पाएंगे क्या आपने समझा था? बोला नहीं आवे, होश नहीं था, किसी को होश नहीं था।
ये प्रत्यक्षदर्शी मतलब जो घायल बस में सवार थे एक्सक्लूसिव, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, साफ ये बता रहे कि रोजाना आना जाना करते हैं लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ और 40 से 45 मजदूर बस में थे बताएं, और जैसे ही नीचे गिरी बस दो बार पलटी है ये इनका कहना था, और यहाँ एपेक्स हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए इनको लाया गया था और यहाँ पर से अब इनको एम्स रेफर किया जा रहा है और सीधा इनसे हमने बातचीत की है। फिलहाल ये स्टेबल है लेकिन एक और लेडीज बगल में लेटी हुई थी और वो अनकॉन्शियस थी घटना के बाद, और जिनसे हमने बातचीत की जो गार्ड है बताती हैं और वो बता रही खुद बता रही हैं कि जैसी जब बस पलटी पहले एक चक्का स्लिप खाया और फिर ड्राइवर ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ और बस अनियंत्रित हो गई और सीधा खाई में गिर गई, दो बार पलटी खाई है। कोशिश करते हैं आगे और यदि कुछ और घायलों से बातचीत हो सके तो, क्योंकि बात करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कंडीशन उनकी भी नहीं है और लगातार एम्बुलेंस के जरिए जितने घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स रिफर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने भी साफ कह दिया है कि इस मामले में इलाज में कहीं किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो गंभीर मरीज थे जिनको ज़्यादा चोटें आई थी उनको पहले सीधा का सीधा एम्स रिफर कर दिया गया था, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जो कम चोट आई थी जिनको और जो ज़्यादा घायल नहीं थे उनको यहाँ पर लाया गया था, और अब धीरे धीरे यहाँ पर से भी इन तमाम जो घायल थे उनको एम्स के लिए रिफर किया जा रहा है। यहाँ पर भी पुलिस की टीम मौजूद है, देखते हैं कुछ और घायलों से यदि बातचीत हो सके तो बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग एक गार्ड हैं, इनसे बात करने को पूछते हैं। दीदी आप बात कर पाएंगे कुछ, क्या हुआ तो थोड़ा बता पाएंगे यदि बताने की स्थिति में है तो? मालूम नहीं सर क्या हुआ कैसे हुआ। कितने लोग आप लोग थे मतलब बस में? कुछ उसमें 40-50 थे जी। अच्छा, और ये कितने बजे के आसपास की घटना, शिफ्ट कितने बजे आप लोग की खत्म हुई, कितने बजे आप लोग निकले थे? 8 बजे निकले थे, 8 बजे। और कैसे क्या हुआ थोड़ा बताएंगे कुछ, आप लोग बैठे थे सर? मालूम नहीं सर कैसे टाइम से हुआ जी। देखिए ये गार्ड है और काफी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है, और साफ ये बता रहे 8 बजे निकले थे फैक्ट्री से और 8:15 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है, और जैसा कि पहले भी गार्ड साहब ने बातचीत की उन्होंने बताया कि पहले बस का एक पहिया जो है वो हवा में लटक गया और ड्राइवर उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया था लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाया, अनियंत्रित हो गई और फिर दूसरा पहिया भी जो है वो भी हवा में लटक गया था और ऐसे उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाया और देखते ही देखते पूरी की जो बस है वो खाई में गिर गई, और खाई में गिरने के बाद दो बार पलटी है बस ऐसा बताया जा रहा है और उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, और जैसा कि महिला गार्ड से हम बातचीत कर रहे थे घबराए हुए सब थे, कई लोग उसी समय बेहोश हो गए थे, बड़ी मुश्किल से स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों से जो हमने बातचीत की वहाँ पर उन्होंने भी साफ कहा कि कांच तोड़ना पड़ा और उन कांच से खिड़की से जिसको जैसे जहाँ से जगह मिला निकाला गया है, तो एक बड़ी घटना यहाँ पर घटी है और इस समय कुम्हारी के लोग कहीं ना कहीं एक अपनी जिम्मेदारी दिखाएं यहाँ पर तत्काल, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो चाहे घटना स्थल की बात हो, तत्काल कुम्हारी के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पहुँचे और रेस्क्यू में पुलिस और जिला प्रशासन की उन्होंने हेल्प की है यहाँ जी। चलिए तो स्टार निश्चित रूप से दुखद हादसा है और सबसे पहले प्राथमिकता यही कि जो घायल हैं उनको उचित इलाज मिल सके और प्राथमिक इलाज के बाद जो मरीज हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स रेफर किया जा रहा। और देखिए इस घटना के बाद इस हादसे के बाद विष्णु देसाई सीएम विष्णु देसाई ने उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने घटना पर दुख जताया, बृजमोहन अग्रवाल ने भी उन्होंने दुख जताया है इस ट्वीट करके एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया और उन्होंने भी दुख जताया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बड़े हादसे पर दुख जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह लिखा कि वह अत्यंत दुखी हैं, एक बड़ा हादसा हुआ है और ये लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस बड़े हादसे के बाद यहां पर प्रशासन ने रेस्क्यू किया और उसके बाद जो घायल हुए हैं उनको अस्पतालों तक पहुंचाया गया, प्राथमिक उपचार उनको दिया गया और उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो देखिए ये अपडेट हम आप तक बता दें और बस हादसे में मृतकों के नाम भी सामने आ चुके हैं, कोकैया बाई इस हादसे में
मृत हो गए राजू राम ठाकुर, जो नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से 15 लोगों के हिसाब से मौत हुई। त्रिभुवन पांडे, मीलू भाई पटेल, तो बस हादसे में मृतकों की ये नाम है, मनोज ध्रुव, ये सभी कर्मचारी थे जो शिफ्ट और होने के बाद बस में सवार होकर निकल रहे थे। कृष्णा केनाल सोडे, राम बिहारी यादव, तो ये नाम आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। कमलेश देश लहरे, परमानंद तिवारी, बस हादसे में मृतकों की ये नाम है, पुष्पा देवी पटेल, शांतिबाई देवांगन, सत्य निशा, अज्ञब अमित भमित सेना, ये इस हादसे के शिकार हुए। गुरमित सिंह, तो बस हादसे में मृतकों के नाम आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोकैया बाई, तो ये टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार बस हादसों में जिनकी मौत हुई है उनके नाम भी आप देख पा रहे हैं। लगातार IBC24 इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हादसे के बाद जो घायल हैं उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया, उनकी स्थिति कैसी है, उनके इलाज के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है, ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे भिलाई का, कोमल धनेश्वर हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। कोमल, अभी आप मौके पर क्या देख पा रहे हैं, वहां पर घायलों की स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है आप? तो जी आपको बता दूं कि घायलों को छोड़ करके लगातार एम्बुलेंस वापस आ चुकी है और फिर से अब जो और जो बचे हुए घायल हैं उनको सेट करने की तैयारी की जा रही है। और इससे पहले आपको बात कर दूं, हमारे साथ एक शुभम है, शुभम इस पूरे हादसे के प्रत्यक्षदर्शी रहे, उन्होंने रेस्क्यू में पूरा साथ दिया था। शुभम, सबसे पहले क्या घटना सूचना मिली, आप लोग कैसे पहुंचे, क्या था वहां पे, किस तरीके से रेस्क्यू किया आप लोगों ने? यहां पे काफी अफरा तफरी मच गया, जहाँ हम लोग खड़े थे वहां से काफी बाइक जाने लग गई, कार जाने लग गई, जिससे हमें पता चला कि वहां पे इतना बड़ा घटना हो चुका है। जो केडिया कंपनी है उसकी बस वहां पलट चुकी है, जिसमें 40 से 45 लोगों ने कैसी मदद की इसमें? हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कांटेक्ट करके वहां पे गए, जो कि गाड़ी जहां पलटी थी वो वहां पे रफ जगह था, वहां पे पानी नहीं थी, तो जिसकी वजह से वहां पे थोड़े आसानी पड़ा हमें निकालने के लिए, क्योंकि पानी आगे था, वहां पे तालाब भी था, जिस वजह से थोड़ा सा दूर में था, तो गाड़ी काफी 3-4 पलटी खाई हुई थी और लोग काफी दब चुके थे। उसके बाद काफी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए और कुछ कुछ लोग निकलते गए। अंधेरा काफी था वहां पे, अंधेरा काफी था, सबसे बड़ा आज से नहीं प्रॉब्लम जब से कंपनी खुली तब से, अब तो थोड़ी सी रोड की उबड़ खाबड़ से थोड़ी सही हुई है, मुर्रूम वापस डाला गया है, उसका मरम्मत किया गया, मगर वापस से आज भी वहाँ लाइटिंग नहीं आज 50 साल से, और ना कि वहाँ RCC रोड है ना डामर रोड है, वहाँ रोड का सबसे बड़ा कारण है। और बस की कंडीशन सबसे थर्ड क्लास थी, बहुत दिनों से उस बस की चेंज करने की डिमांड थी, वहाँ पे डिमांड थी, मगर पर भी चेंज नहीं किया जा रहा था। आपकी इधर से कोई आसपास के लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं? हमारे एरिया के काफी लोग वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ के 2 बस चलती है, जो हम लोग देखते हैं डेली, ये दोनों बस की कंडीशन काफी थर्ड क्लास देखी जा सकती है, और जो बस गिरी हुई है उसका उस कंडीशन पे आप जाके देख सकते हैं कि बस कितनी पुरानी थी, मतलब कंपनी मेंटेनेंस नहीं करती थी। मेंटेनेंस तो मैडम करती नहीं थी, दूसरा चीज एक एक गाड़ी में आप ओवरलोड लोग तो कर्मचारी लेके चलेंगे, गाड़ी कब तक आपको साथ देगी बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात ओवरलोडिंग की आ रही है और मेंटेनेंस भी नहीं थी गाड़ियों का, क्योंकि अगर फिटनेस की बात करें तो किसी भी वाहन का फिटनेस होता है 10 साल 15 साल का, बस का फिटनेस होता है, और ये फिटनेस के लिए सर्टिफिकेट लेने होते हैं। अब इस गाड़ी का सर्टिफिकेट फिटनेस कितना था, उसका सर्टिफिकेट कब तक का बना हुआ था, और RTO में अगर उसकी फिटनेस की जांच हुई थी तो क्या वो जांच सही थी या उसमें कुछ और भी चीजें सामने आई थी, वो तो अब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि गाड़ी में ओवरलोडिंग बिल्कुल थी और की वजह से ये कहीं ना कहीं ये जो जितने लोगों की जान गई है या जितने ज्यादा लोग घायल हुए हैं ये इसी वजह से हुए कि उस गाड़ी में ओवरलोड हुई थी गाड़ी को, उसमें जरूरत से ज्यादा लोगों को बैठाया गया था। चलो, तो ये बात भी निकलकर अब सामने आ रही है, देखना होगा कि इस पर किस तरह से जांच होती है और लापरवाही पाए जाने पर किस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी इस पूरे मामले में देखना होगा। स्टार जैन का रुख करेंगे, लगातार हॉस्पिटल के बाहर वो भी मौजूद हैं। स्टार, अभी आप मौके पर क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ और जो घायल हैं उनको रेफर करने की तैयारी चल रही है?
देखिए जो घायल थे करीब 11 घायलों को कुमारी के एपेक्स हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर लाया गया था और पुलिस के अधिकारी मौजूद है, यहाँ से रिफ़र कर दिया गया है। बातचीत करते हैं, क्या अपडेट है सर घटना में, कितने लोगों को यहाँ लाया गया था और किस प्रकार की चोटें थी और अभी कहाँ है, क्या है? एपेक्स हॉस्पिटल में कुल 11 लोगों को लाया गया था, एक यहीं पर है अभी एडमिट सुरक्षा से, बाकी 10 लोगों को एम्स यहाँ से रवाना किया गया है उपचार के लिए। कुछ गंभीर चोटें यहाँ पे थी जिनको कि सभी लोग जो हैं वो डॉक्टर के हिसाब से सर्वाइव कर जाएंगे, अच्छे हैं। उसमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई थी जिनको पहले यहाँ से रेफर किया गया, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया है। अच्छा, कुछ बातचीत हो पाई कि हालांकि कंडीशन नहीं थी बातचीत करने की, फिर भी कि क्या किस प्रकार से घटना घटी या कुछ बताने की स्थिति में थे कुछ अभी? नहीं, उस संबंध में इनसे मरीज लोग कुछ बात नहीं उससे कर पाए हैं, बस सिंपल एक्सीडेंट की घटना है। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उनको समझ में नहीं आया कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, पुलिस के अधिकारी हैं सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं जो साफ बता रहे हैं कि कुल 11 घायलों को यहाँ पे लाया गया था कुमारी में और फिलहाल जिनकी 2 जिनको ज़्यादा चोटें थी उनको पहले एम्स रेफर कर दिया गया था, बाद में 8 मरीजों को भी प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्स बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। एक मरीज अभी भी यहीं पर भर्ती है स्वेच्छा से, उनकी कंडीशन स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत की और फिलहाल मरीजों से हमने बात की पुलिस के अधिकारियों से कि कुछ बातचीत हो पाएगी घटना कैसे क्या घटी, तो साफ कहना था सभी लोग घबराए हुए थे इसलिए फिलहाल उस संबंध में कुछ बातचीत नहीं हो पाई कि कैसे ये घटना घटी है, क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ। फिलहाल प्राथमिकता यही थी कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा सके और उसी प्रक्रिया में पुलिस जो है अभी लगी हुई है। जी चलिए, तो प्राथमिकता यही है स्टार यहां पर कि जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके। आप हमारे साथ बने रहेंगे स्टार और अपडेट हम आपसे लेंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप, जो एम्स के बाहर मौजूद है, लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि भिलाई से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर किया जा रहा है घायलों को। अब तक कितने लोगों को यहाँ पर लाया गया, क्या उनकी कैसे उनकी स्थिति है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अभी तक आपको बता दें कि 6 मरीज एम्स लाए जा चुके हैं। अभी देखिए आपसे बात करते हुए आपको बता दूं, अभी एक जो है एम्बुलेंस पहुंची है, उससे मरीज को उतारा ही जा रहा है। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 में देख सकते हैं। अभी तक 3 जो है महिलाओं को लाया गया, इसके अलावा 2 पुरुष पहुँचे थे, ये 6वां मरीज यहाँ पर पहुँचा है। आपको बता दें कि टोटल 9 मरीजों को लाया जाएगा, यहाँ पर 9 मरीजों को लाया जाएगा। अभी आपको कुल मिला के 11 मरीज रायपुर पहुंचेंगे जो हमारी सूचना में है और 10 मरीज जो है एम्स में उनका अस्पताल चलेगा, जबकि 1 जो मरीज है उसे निजी अस्पताल भेजा गया। सबसे बड़ी बात अभी जो पहुंचे हैं, एक अच्छी बात यह है कि इनकी हालात ठीक है। इस पर कुछ बुजुर्ग थे जो बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन कमर में पैर में इनके गंभीर चोट आई है। तो अभी जो हमारे सामने 3 मरीज आए उनकी हालत ठीक है, तो 6 मरीजों में 1 बहुत बेहद गंभीर मरीज थे, 5 जो है उनको चोट काफ़ी लगी, 1 लड़का था उसके चेहरे पे चोट है। और आपको अपडेट दे दें कि खुद गृह मंत्री विजय शर्मा जो है कवर्धा आज दोपहर को पहुंचे थे और जैसे उन्हें इस दुर्घटना की सूचना मिली है तो कुछ देर में विजय शर्मा जी यहाँ पर होम मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचेंगे। और आपको बता दें कि परिजनों का भी लगातार देखिए आप लोगों का आना जाना चल रहा है क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा थी केडिया के कर्मचारियों की, तो हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या उनके परिजन का नाम जो है वो घायलों की सूची में है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो। तो सूची हमारे पास भी है, हम भी लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, तो कई लोगों को राहत मिली है कि उनके परिजनों को मामूली चोट पहुंची है। तो लगातार IBC 24 की टीम यहाँ पर अब मौके पे हम बने हुए हैं। आपको फिर से एक बार अपडेट दे दूं कि फिलहाल 6 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जिसमें 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं। एम्स की तमाम टीम 10 से 12 लोगों की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, कुछ डॉक्टर अभी थोड़ी देर भी यहाँ पहुँचे हैं। एक जो मरीज है वो निजी अस्पताल भेजा गया रायपुरा के और कुछ देर में खुद होम मिनिस्टर विजय शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे और लगातार यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है अगर वो बाहर है तो उसे भी बुला लिया जाए। तो चाहे दुर्ग प्रशासन हो चाहे रायपुर प्रशासन, मरीजों को घायलों को ज़्यादा से बेहतर इलाज प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात देखिए, सूची हम ये जरूर कहेंगे कि जिला प्रशासन को एक सूची जारी करनी चाहिए, अगर हो सके तो जो लोग घायल हैं या जिनको मामूली चोटें लगी हैं उनकी एक सूची जारी हो जाए, कोई बुलेटिन मेडिकल बुलेटिन जारी हो ताकि जो लोग भटक कर एम्स पहुँच रहे हैं, आपको बता दें कुमारी से यहाँ वहाँ भी परेशान हो रहे हैं, तो उन लोगों को राहत मिलेगी कि उनके परिजन ठीक हैं। जी निश्चित रूप से संदीप, अस्पताल प्रबंधन की ओर से ये कोशिश भी होगी
की स्थिति स्पष्ट करें कि कितने मरीजों को लाया गया है, उनकी स्थिति कैसी है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी कोमल धनेसर का, लगातार वो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, घायलों की क्या स्थिति है, पल पल की अपडेट लगातार वो हम तक पहुंचा रहे हैं। कोमल, अभी क्या स्थिति है मौके पर, क्या देख पा रहे हैं आप अभी? जी, अभी भी स्थिति वैसी ही है, घायलों को जो है ले जाया जा रहा है लगातार, वहां से अंदर में ट्रीटमेंट चल रहा है। कलेक्टर मैडम अभी उनको साथ में खड़ी हैं, घायलों के साथ में हैं, और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं, वो भी यहां पर डटे हुए हैं कि जब तक सारे घायलों को शिफ्ट नहीं किया जाता सब यही मौजूद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे लगातार एम्बुलेंस आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है, और जो घायलों को छोड़ करके एम्बुलेंस वापस आ रही है, और आप पीछे देख सकते हैं सारे अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, और अब जो है थोड़ी सी राहत दिख रही है, क्योंकि ज्यादातर जो गंभीर हैं उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। करीब यहाँ जो है करीब 11 लोग जो गंभीर काफी थे उन्हें शिफ्ट किया जा चुका है, और जिन्हें जब जो थोड़े सामान्य हैं गंभीर घायल हैं उन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट करके अब धीरे धीरे अन्य अस्पतालों में भी भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से तो जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए अन्य हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, रायपुर एम्स में यहाँ पर भेजा जा रहा है। कोमल, जो मृतक हैं उनके भी नाम अब सामने आ चुके हैं, ज्यादातर जो नाम है या फिर ज्यादातर जो घायल हैं वो दुर्ग भिलाई के ही रहने वाले, क्या जानकारी आपके पास में इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो घायल और मृतक है वो लगभग दुर्ग भिलाई के रहने वाले, क्योंकि जो केड़िया कंपनी है दुर्ग जिले में है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग काम करने वाले 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में ही आते हैं यहाँ पर। और जो मृतकों की जो लिस्ट है हमने जो देखी थी उसमें ज्यादातर जो भिलाई के रहने वाले हैं, चरोदा के 2-3 हैं, खुशी पार के हैं, तो ये जो बेल्ट है पूरा भिलाई से लेकर के पूरा कुम्हारी तक का, तो सारे जो काम करने वाले लोग यही के हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या ज्यादा अफरातफरी इसलिए मच गई क्योंकि सब परिजनों को पता है कि उनके परिजनों के लौटने का वक्त कितना होता है, और जब घटना की खबर जब मीडिया के माध्यम से सबको पता चली तो यहाँ पर लोग लगातार पहुंचते गए, वहां चाहे उसके पास पड़ोसी हो चाहे परिजन हो, हर कोई यहाँ पहुंचा। और जैसे जैसे लोग यहाँ पर परिजनों को उनके जो घायल अवस्था में जो उनके परिजन थे उनको मिले, और उनके बाद में एम्बुलेंस के साथ परिजनों को भी रवाना किया गया ताकि वो अपने जो घायल है उनके साथ में रहे, ताकि उनको भी एक सबल मिले कि उनका परिवार के साथ में है। और अब भी यहाँ पर कुछ परिजन अंदर में अभी भी मौजूद हैं कि जब उनके जो है परिवार के जो सदस्य हैं जो घायल हैं उन्हें जब शिफ्ट किया जाएगा तो वो भी उन्हें साथ में लेकर के जाएंगे। और ये जो आप अभी देखे रात को 12:30 करीब बज चुके हैं, और यहाँ पर स्थिति वैसे ही है, यहाँ पे जितने लोग हैं वैसे ही यहाँ पर खड़े हैं ताकि कभी किसी को कोई मदद की जरूरत पड़े तो उस मदद के वो तैयार रहे। जनप्रतिनिधि भी इसलिए खड़े हैं कि हर जगह वो फोन कर रहे हैं, चाहे कलेक्टर हो, प्रशासन यहाँ पूरा अमला जुटा हुआ है, चाहे रायपुर की बात हो रायपुर में लाइनअप किया जा रहा है, चाहे दुर्ग जिले अस्पताल की बात हो वहाँ लाइनअप किया जा रहा है। तो जिसे जैसे सुविधा मिल रही है, जिसे जो बन पड़ रहा है वो मदद के लिए यहाँ पर खड़ा है, और सारी चीजें यहाँ पर लाइनअप की जा रही है। चलिए आपके पास फिर से लौटेंगे धनेसर, आप और अपडेट आप यहाँ से लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास लौटते हैं, फिर से रुक कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ बने हैं। संदीप, एम्स में जितने लोगों को लाया गया उन सभी की स्थिति के बारे में क्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई जानकारी दी गई, या आपने देखा बाहर उनकी स्थिति कैसी? देखिए, पहले तो आपको अपडेट दे दें कि देखिए एक एम्बुलेंस और पहुंची है। कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले ही हमने बताया था कि जो 6 मरीज यहाँ पर भर्ती है, लेकिन अब 9 मरीज यहाँ पर टोटल अब पहुंच चुके हैं। आपसे बात करते समय ही 2 एम्बुलेंस और पहुंची है, जिस पर कुल मिला के 3 लोग आए हैं, और तीनों की स्थिति फिलहाल हमें ठीक दिखाई दे रही है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इस पर जो पहली महिला आई थी उनकी जो स्थिति है काफ़ी चिंताजनक लग रही थी, ऑक्सीजन में थी। उसके बाद एक मरीज अन्य है जो ऑक्सीजन में है, तो 2 से 3 मरीज हैं जिनकी अवस्था गंभीर लग रही है। इसके अलावा सभी लोग जो हैं वो ठीक तो लग रहे हैं, क्योंकि कमर में पैर में चोट है, लेकिन ऐसा कहीं से खून बहा हो या सर फटा हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। 2 से 3 मरीज हैं जिन्हें ज़्यादा चोट लगी है। फिलहाल लगातार, क्योंकि देखिए डॉक्टर जो है सीनियर डॉक्टर सभी अंदर है, और व्यवस्था के लिए पुलिस और गार्ड सभी वहाँ पर खड़े हुए, एंट्री किसी को दी नहीं जा रही है। जो मौखिक जानकारी मिल रही है वो 9, देखिए एक और एम्बुलेंस पहुंची आपको देखिए, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमें ये सूचना मिली थी कि 11 लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा, तो एक एम्बुलेंस और यहाँ पर पहुंची है। IBC 24 लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, और कामना भी कर रहा है कि जितने लोग चोटिल है घायल है सभी
स्वस्थ हो, ज़्यादा गंभीर चोट ना लगी हो, लेकिन ये 10वां मरीज यहाँ पर पहुँचा है। तो हमारी सूचना में 11 लोग जो है वो रायपुर एम्स पहुँचने वाले थे, इसमें 10 मरीज जो है पहुँच चुके हैं। अभी कुछ देर में ही डॉक्टर से अपडेट मिलेगा, क्योंकि हमने भी रिक्वेस्ट किया है कि एक मेडिकल बुलेटिन जारी हो, ताकि जो परिजन यहाँ पर भटक रहे हैं, अपने परिजनों का नाम पता करना है, उनको जानकारी मिले, उनके लिए राहत की बात हो, क्या स्थिति है, उन्हें कितनी गंभीर चोट है, अगर कोई गंभीर है, अगर बाहर से किसी को बुलाना है परिजनों को तो बुला लिया जाए, और जो मामूली चोट से अगर जिनको मामूली चोटें लगी है उसकी सूचना भी देनी चाहिए, ताकि परिजनों को राहत मिले। जी चलिए, तो कोशिश यहीं पर यही है कि जितने भी जो घायल आ रहे हैं उनको पहली यहाँ पर प्राथमिकता यही कि बेहतर इलाज मिल सके। बस ना मतलब कि पलटी कर गया, मतलब कि फर्स्ट वाली चक्का पहले स्लिप किया, फिर सेकंड वाली, और अचानक से ऐसा गिरा ना, हम लोग ही पता नहीं था, और कुछ किस मतलब कुछ हम लोग मूवमेंट कुछ कर भी नहीं पाए, और बस ऐसा पलटी किया दो बार में, क्या पता हम लोग सब होश खो बैठे थे। उसके बाद फिर हम लोग मेरे पास विंडो था तो उसी में से ना लेडीज गार्डों को ना मैं निकाली हूँ, 5 लेडीज गार्ड थे, अब बाकी सब वर्कर लोग थे वहाँ पास, तो उन लोग भी मतलब कि फंस गए थे, बहुत गंभीर घायल हो गए। डेली हम लोग रूटीन है, डेली अप डाउन करते हैं, बस आना जाना डेली करता है, सावधानी से जाता है, लेकिन आज कैसा अचानक से ऐसा हुआ कुछ बता नहीं सकते हैं। चलिए, तो ये प्रत्यक्ष दर्शी उस बस में ये महिला मौजूद थी, और उन्होंने बताया कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। और लगातार IBC 24 इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट पहुंचाता रहेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया कोमल, संदीप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हर एक अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।